WTC पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं। इस जीत के साथ इंडिया WTC के पॉइंट्स टेबल पे दूसरे नंबर पे आ चुकी है। 7 मैचेस, एक बार इसको फुल स्क्रीन कर दीजिएगा, 7 मैचेस में से 4 जीत चुके हैं। फर्स्ट नंबर पे न्यूजीलैंड 4 मैचेस, थर्ड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया सेकंड पे, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया, फिर बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और श्रीलंका। इंग्लैंड बाय द वे 8वें नंबर पे चली गई है, तो इंग्लैंड का तो बड़ा मुश्किल हो गया। इसके बाद जो हमारे मैचेस है वो बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस है, बड़े टफ भी है। आपको एक ऑस्ट्रेलिया की सीरीज करनी है, आपने बांग्लादेश के साथ भी खेलना है, तो और न्यूजीलैंड के साथ भी शायद आपने खेलना है। तो न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है और बांग्लादेश है आपके साथ, इंडिया के जो मैचेस हैं, तो उसमें से न्यूजीलैंड टॉप पे चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी आसपास है। तो पहले तो आप इंग्लैंड को सारी सीरीज हराएंगे। अब जो बाकी के 2 मैचेस बचे हुए हैं ना, वो दोनों के दोनों आप जीते, क्योंकि अब आपके साथ मोमेंटम भी है और इंग्लैंड की हालत भी खराब हो गई, उनके पास बॉलर भी नहीं है। तो पहले आप उनको रिमेनिंग दोनों मैचेस हराएं, उसके बाद जो हम पहले सोच रहे थे कि शायद WTC साइकिल में हम पीछे ना रह जाए, शायद फाइनल ना खेलें, ये तीसरा लगातार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इंडिया खेलने के लिए तैयार है। बिकॉज देखिए, ऑस्ट्रेलिया में आप डोमिनेट कर रहे हैं, पिछली दोनों सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जो हुई है इंडिया ही जीता है। हाँ, इस बार थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है कि भाई थोड़ा सा आपकी बॉलिंग में देखते हैं कौन अवेलेबल है कौन नहीं है, बट और ऑस्ट्रेलिया भी बढ़िया टीम उभर के आई है। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया हाल फिलहाल में आपको हर चीज़ में हरा रही है, चाहे वो अंडर-19 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो ODI वर्ल्ड कप हो, चाहे वो आपका WTC फाइनल हो, हर जगह हरा रही है। लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता कि उनके लिए इतना आसान फिर से रहेगा, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में हमें पसंद है वो बाउंस, और हम ऑस्ट्रेलिया में खेलने का हुनर भी सीख चुके हैं। बांग्लादेश से आपको जीतना चाहिए, बांग्लादेश आज तक आपसे एक भी टेस्ट मैच में नहीं जीता है, तो बांग्लादेश से आपको जीतना चाहिए। न्यूजीलैंड भी आपके घर में ही आ रहा है, तो वो भी आपको जीतना ही चाहिए। मेन टेस्ट आपको ऑस्ट्रेलिया होगा, तो मेरे को तो जितना नजर आ रहा है दोस्तों, वन मोर WTC फाइनल नाउ लोडिंग फॉर इंडिया। देखो फाइनल तो हम पहुंच जाते हैं फाइनल तो हम पहुंच जाएंगे, ये तो हमें पता है, पहले वहां तक तो पहुंच, दो बार तो आप पहुंच चुके हो। लेकिन बस वो वाली बात है ना कि आप इतना अच्छा करते हो कंसिस्टेंटली टेस्ट क्रिकेट के अंदर, पिछली 2 बार भी किया था, जब आपने न्यूजीलैंड का गेंस खेला था, फिर आपने ऑस्ट्रेलिया का गेंस खेला, बहुत जबरदस्त रही थी आपकी WTC की साइकिल। लेकिन जैसे ही आप फाइनल में आए थे ना, आपने वो सिलेक्शन, देखो फाइनल में पहुंचने के लिए इस बार नई चीज है भाई, आपको बेहतर करना, देखो आपको यहां तो जीतना ही है, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि अगर इंडिया ने WTC का फाइनल खेलना है तो ऑलमोस्ट आपको यहां से ज्यादातर मैचेस जीतने, एक या दो आप हार अफोर्ड कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज डिसाइड करेगी, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज आपके लिए डिसाइडर होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड को आप हरा लोगे, 2 टेस्ट मैच 3 टेस्ट मैच आएंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ आपको खेलने हैं, फिर बांग्लादेश के अगेंस्ट 2 टेस्ट मैच खेलने हैं, तो वो तो आप जीत लोगे। लेकिन असली टेस्ट होगा ऑस्ट्रेलिया में, 5 मैच की सीरीज, वहां पर क्या आप सीरीज जीत पाते हो, क्योंकि अगर वहां पर इंडिया ने सीरीज जीत लिया तो फिर ये मेक श्योर हो जाएगा कि इंडिया WTC फाइनल खेल रहा है। लेकिन अगर कहीं ऑस्ट्रेलिया ने टर्न अराउंड कर दिया और आप वहां पर बुरी तरह कहीं से हार गए, हालांकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अब इंडिया का रिकॉर्ड भी शानदार रहा है और जो प्लेयर्स आपके पास है वो अल्टीमेट उन्हीं कंडीशंस के लिए टेलरमेड बने हुए हैं। सही बात है, बैकफुट पर सभी का गेम बेटर है, सारे बाउंस के अगेंस्ट अच्छा करते हैं, पेस बॉलिंग यूनिट आपके पास अच्छी है, तो ऐसी बात नहीं, इंडिया के लिए बहुत अच्छा चांस है। और यही टेस्ट सीरीज जो इंग्लैंड ने पहले टेस्ट मैच में हरा कर एक तरीके से झटका दे दिया था, जहां लग रहा था कहीं इंग्लैंड सीरीज ना जीत ले, फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता। अब ऐसा लग रहा है कि 4-1 कहीं ये सीरीज के स्कोर लाइन हो सकती है, जिस तरीके से आप खेल रहे हो, और यहां अगर आपने 4-1 से हरा दिया इंग्लैंड को, तो बहुत अच्छा चांस। पांडे जी, एक चीज है, मतलब आपका, आप अगर इंडियन टीम को देखे, ऑस्ट्रेलिया के लिए बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में खेलने जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर विराट कोहली के स्टार जो बड़े अच्छे हैं, अब पता क्या हो रहा है कि आपका अभी जो बाहर है, अभी जो प्लेयर नहीं है आपके आपके प्लेइंग 11 में नहीं थे, वो थे विराट कोहली और KL राहुल, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपका प्लेइंग में आएंगे ही आएंगे। एक तो रजत पाटीदार को मुझे लग रहा है कि अब मौका जो है अब नहीं मिलेगा अगले मैच में, मोस्ट प्रोबेबली अगर KL राहुल वापस आ जाते हैं। आपका जो बाद में सीरीज आने वाली, जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए सीरीज आने वाली है आपको जो खेलना है, तो फिर वहां पे विराट कोहली क्या वापस अंदर आएंगे, मतलब फिर किसी यंगस्टर के लिए वो मौका जाएगा कि भाई जिसने परफॉर्म किया, फिर कैसे होगा? नहीं, विराट आएंगे नंबर 4 पे, क्या बात, विराट कोहली तो खेलेंगे, वो तो खेलेंगे वो पता है, कोई डाउट नहीं है। तो मतलब देखो ना, आप KL राहुल और आपका विराट कोहली की होगी, तो फिर आपका टॉप ऑर्डर आप डिसाइड करोगे, आप बैटिंग बताइए ना क्या होगी, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस जिसकी अच्छी आ रही होगी उस टाइम पे वो खेलेगा, और जो नहीं है नहीं है, फिर आपको अपना एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ ही जाना होगा ना। ऑस्ट्रेलिया दौरे पे आप जा रहे हो तो आपको छोटी मोटी, आपका 4 पे विराट हो जाएगा, सरफराज जो 5 पे इतना बढ़िया कर रहा है, फिर वो सरफराज खेल ले वहां पे, अगर सरफराज और पाटीदार में जो अच्छा कर रहा होगा वो रहेगा, जो नहीं होगा वो 11 से बाहर।